मूवी में बहुत ही खराब लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, थोड़े बहुत गंदे और अडल्ट सीन भी है, और फैमिली के साथ तो बिल्कुल ना देखें। शॉर्ट में स्टोरी की बात करें तो एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ में रहते हैं, दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, और दोनों की जॉब और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको इस मूवी में देखना है। पूरी मूवी की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो शुरू से शुरू करते हैं। एक लड़का और एक लड़की दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं जो शेयर मार्केट से रिलेटेड होते हैं। दोनों एनालिसिस होते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस कंपनी में इस लड़के को पीएम की जगह देने की बात चलती रहती है। वो लड़की उस लड़के को जाके बताती है, लेकिन रात को ही बॉस उस लड़की को ही पीएम की जगह दे देता है। वो बात सुनकर वो लड़का बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह जब वो उस लड़की उस पीएम की जगह लेती है, वो लड़का उस लड़की की यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरों के साथ बात करते देख कर उसे बहुत बुरा लगता है। उस लड़के से रहा नहीं जा रहा होता है। वो लड़का एक एनालिस्ट होता है और वो अपने काम को दिन रात करता रहता है, लेकिन उस लड़के की वो हरकतें उसे परेशान कर रही होती है। उसे वो लड़की खोने का डर लगा रहता है। एक दिन वो लड़के के कहने पर वो लड़की 3 लाख के शेयर खरीदती है और उस कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होता है, और उस और लड़की का बॉस बहुत गालियाँ सुनाता है। फिर वो लड़की एक और कंपनी का शेयर खरीदती है और उससे कंपनी का प्रॉफिट होता है और वो बॉस उससे माफ़ी मांगता है। फिर एक दिन वो लड़की देर रात पार्टी करती रहती है और पीकर टून होकर घर आती है। तब उस लड़के के साथ बॉस होती है और उस दिन उस लड़के को बहुत बुरा लगता है। वो ऑफिस जाकर भी लड़ते हैं और वो लड़का बॉस से बात करता है और गिर जाता है कि मुझे पीएम बना दे, लेकिन वो बॉस नहीं मानता। लड़का रात को खूब पीकर घर जाता है। तब वो लड़की बताती है कि बॉस ने तुम्हें फायर करना चाहते थे। वो दूसरे दिन ऑफिस नहीं जाता और वो लड़की उसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसका फोन बिजी आ रहा होता है। वो तीसरे दिन ऑफिस आता है, लेकिन वो ऑफिस में बड़े इन्वेस्टर आए हुए थे। तब वो लड़का खूब डर भी करवाता है और उसको कुछ होश नहीं होता है और ऑफिस में बहुत उल्टे सीधे काम करता है। फिर उसकी इंगेजमेंट पार्टी होती है, वो वहाँ जाता है और उसके सबके सामने लड़की को बेइज्जत करता है और एकदम अडल्ट गालियाँ देता है। वह वो लड़की उस लड़के के सिर में दारू की बोतल मार देती है और दोनों बाहर जाकर झगड़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तेरी वजह से ये सब हुआ, और फिर दोनों एक किस करते हैं और वो घर चली जाती है। और वो सुबह जाकर बॉस को झूठ बताती है कि वो मेरे पीछे पड़ा था, क्योंकि दोनों को एक साथ रहना एक कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ है। वो घर जाती है, तब वो लड़का सब पैक करके वहाँ बैठा होता है और वो कहता है कि मैं सैन फ्रांसिस्को जाने वाला हूँ। तब वो लड़की चाकू लेके उसे माफ़ी मंगवाती है और वो माफ़ी मांग लेता है, पर मूवी यहाँ एंड होती है। चलो भाइयों, उस सब्सक्राइब वाले बटन को हिट कीजिए। वेलकम टू द फैमिली।